इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के उन्नाव से आ रही है, जहां महिला सिपाही का रिश्वत लेने का वीडियो वायरल हो रहा है। महिला कांस्टेबल का नाम राधा रानी बताया जा रहा है। महिला सिपाही पॉस्को कोर्ट उन्नाव में तैनात है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। वीडियो का संज्ञान लेते हुए महिला सिपाही को निलंबित कर दिया गया है। तो आपको बड़ी खबर बता दें, महिला सिपाही का रिश्वत लेने का वीडियो वायरल हुआ है। महिला कांस्टेबल का नाम राधा रानी बताया जा रहा है। महिला सिपाही पॉस्को कोर्ट उन्नाव में तैनात है। वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया पुलिस विभाग में। वीडियो का संज्ञान लेते हुए महिला सिपाही को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। इसी बीच हमारे साथ उन्नाव से हमारे संवाददाता सनोज कुमार जुड़ चुके हैं। सनोज, क्या था पूरा मामला? सर, आज सोशल मीडिया पर महिला आरक्षी का रुपए लेते हुए वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए उक्त महिला आरक्षी राधा नाम राधा तिवारी पीनो 11-20-74-55-55 को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इस प्रकार की जांच क्षेत्र अधिकारी नगर द्वारा की जा रही है। अच्छा सनोज, महिला ने रिश्वत क्यों ली, किससे ली, कुछ इसके बारे में जानकारी मिली? हो पा रही है जी, और इसके क्षेत्र अधिकारी द्वारा जांच की जा रही है, उसके आगे विधि कार्रवाई की जाएगी। और फिलहाल एसपी उन्नाव ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए महिला को निलंबित कर दिया गया है। फिलहाल महिला कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है और पुलिस पूरे मामले की कार्रवाई कर रही है। धन्यवाद सनोज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो हम बता दें आपको कि एक वीडियो वायरल हो रहा है उन्नाव में, एक जो महिला कांस्टेबल है उसका रिश्वत लेते हुए ये वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें ये रिश्वत एक बुजुर्ग शख्स से लिया जा रहा है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि उस तरह से महिला एक बुजुर्ग से रिश्वत ले रही है, फिर उस रिश्वत को गिनते हुए फिर उसको अपने जेब में रख लेती है। जिसके बाद जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और महिला कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।